Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna talk about my Goa trip, which is starting today. And right now I'm in Mumbai at my home, and I'm gonna go to airport. Fir hum wahan se Goa airport jayenge, and it's my day 1 when I'll be landing there, so I'll take you along with me. Let's go. We are gonna be there for 4-5 days, and we'll be going to Kalangut first of all. After getting down at the airport, we'll be getting cab or bus. We'll see there what is more convenient, and then we'll go to Kalangut, where we have already booked a place for us, and it's a place which is nearby the sea. It is just 2 minutes walk to the sea, very very close to the sea, and I'll be showing you the place as well. So right now I'm heading towards the airport, Mumbai airport, and I have to catch my flight. Right now I'm at the lounge area at the airport, or I'm done with my luggage check-in and security, or abhi aadhe ghante mein mujhe boarding karna hai. So uske pehle kuch kha lete hain, yahan pe bahut sare options hain. So this is our flight waiting for us, and that's SpiceJet in which we are gonna go. And now I am in the flight, we are sitting. It's so good here, और बाहर आप देखोगे तो कितना अच्छा दिखता है ऐसे fast forward में देखने में. To fly with SpiceJet and look forward to seeing you again. Thank you. Cabin crew, please be seated for landing. Thank you. So this is Goa airport, and we landed, but we were not allowed to record anything क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है. सो मैं आपको बाहर से दिखा दिया मैंने, एंड अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ जो कि कलंगुट में है, और एयरपोर्ट साउथ में आता है और हमको नॉर्थ गोवा जाना है. तो यहाँ से हमको 1.5 आवर्स लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन उसके बीच का जो जर्नी है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिकॉज़ यू कैन सी कितना अच्छा दिख रहा है बाहर. हर तरफ आपको हरियाली दिखेगी, पहाड़ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स हैं, बारिश का मौसम है तो हर तरफ बहुत ही फ्रेशनेस है, ग्रीनरी है. और मैं तो खैर मुंबई से जा रही हूँ जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है मुझे ऐसा लगता है, तो वहाँ जाकर तो मुझे फ्रेश एयर ही मिल रहा है. सो आई एम जस्ट एन्जॉइंग इट ऑल, एंड आई होप यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट. और देखिए यहाँ पे ब्रिज बन रही है, तो गोवा में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू है ताकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी हो जाए. सो गाइस, दिस इज आवर रिजॉर्ट विच वी हैव बुक्ड, और ये हमने एयरबीएनबी से बुक किया था. और क्योंकि हमको एंटायर अपार्टमेंट चाहिए रहता है जिसमें लिविंग रूम हो, किचन हो, बेडरूम हो, सो ये हमने बुक किया था. और ये इसका लिविंग एरिया है. Here you can work. This is a working desk. This is sofa. यहाँ पे भी एक छोटा सा चेयर जैसा रखा है. This is the mirror. And here you can make some coffee and stuff for yourself. This is our luggage. और हम अभी पहुँचे हैं, और मैंने चालू कर दिया दिखाना क्योंकि रूम मेस ना हो जाए. मेस होने के बाद फिर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं लगती. फिर चलते हैं हम बेडरूम की तरफ. ये बेडरूम है, विकी इज़ ऑलरेडी ऑन कॉल, एंड दिस इज़ द बेडरूम. सिंपल एंड सटल, आई लव इट. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बाथरूम एरिया. सो दिस इज़ द बाथरूम विच इज़ अगेन लाइक ओके गुड, इट इज़ क्लीन. And this is small wardrobe kind of thing where you can store your luggage. और ये gallery जैसा है, एकदम घर वाली feeling देता है. हमको Airbnb से book करना इसलिए पसंद है क्योंकि एकदम घर वाली feeling आती है. ये घर बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और ये windows में बाहर से net लगाया हुआ है ताकि mosquitoes अंदर नहीं आए, तो बहुत अच्छी बात है.
फिर कर्टेंस दिए हुए हैं प्राइवेसी के लिए, आप कर्टेंस लगा लो। फिर ये भी कर्टेंस है, देखिए अगर आप देखेंगे तो बाहर से बंद है विंडो और नेट लगा हुआ है। फिर ये कर्टेंस प्राइवेसी के लिए अच्छा है। एंड दिस इज द चेयर विच यू कैन यूज अगर आपको चाहिए, आप काम करोगे तो ये डेस्क है और ये चेयर है। और क्या चाहिए? और हमने ये वाला ही रिजॉर्ट इसलिए बुक किया क्योंकि इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द सी, सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग है यहाँ से और हम बीच पे पहुँच जाएंगे। और बीच पे भी हमको प्राइवेट बीच के लिए एक्सेस है क्योंकि ये जो ओनर हैं उनका प्राइवेट बीच एरिया है, तो गेस्ट को भी वही बीच एरिया यूज़ करने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। प्राइवेट बीच मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, सिर्फ गेस्ट्स होंगे तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। Vicky, do you like it? Yeah, it's a very good place. Feels like home. Yeah, it really feels like home. So, see if you like it. You can check about this place in the description box below. I'll tell you about this place. I'll give the links. And from there, you can book if you're coming to Goa. अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ और ये जहाँ जो रिसॉर्ट में हम रह रहे हैं उसका प्राइवेट बीच एरिया है। आप इस रास्ते से बीच की तरफ जा सकते हो जो मैंने आपको बताया था। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ कितनी सन्नाटा है देखिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बीच और जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है और वो रूम से बीच की तरफ। तो अभी मैं जा रही हूँ और हम आज ही आए हैं यहाँ पे, आते आते शाम हो गई तो हमने सोचा कि आज शाम को हम सिर्फ बीच पे जाते हैं, बाकी कल से देखते हैं कहाँ जाना है। ये एक रेस्टोरेंट है, सी फेसिंग रेस्टोरेंट, जो कि जो यहाँ की होस्ट हैं उनके भाई का है और बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह। आप यहाँ पे सुबह सुबह आके ब्रेकफास्ट करते हुए सामने समुद्र का नज़ारा ले सकते हो, सच अ ब्यूटीफुल व्यूज़। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। So how are you liking it? Are you liking it? Yes, yes, it's amazing. It's beautiful. The sounds of like waves is like so pleasing. Yes, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। It's very quiet. और ये बीच इतना साफ है, like मैं मुंबई में बीचेस पे जाती हूँ पूरा कचरा भर देते हैं, गवर्नमेंट कितना साफ करेगी, पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गोवा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जगह है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट ने ही किया होगा ना, ये बहुत साफ है ये बीच। Like you can see, you will not find any garbage thrown here and there. I'm very glad that like we came during like off season. Like there are like very less people. Yes. और हमको शांति भरी जगह बहुत पसंद है, तो यहाँ पे काफ़ी शांति है और हम बस chill मार के यहाँ बैठना है, लाइफ enjoy करनी है, खाना पीना खाना है। हम नॉर्थ गोवा में आए हैं और अगली बार हम साउथ गोवा जाएंगे। नॉर्थ गोवा में आप पार्टी कर सकते हो, chill कर सकते हो, you can go to club, discos. लेकिन अभी मानसून टाइम पे ज़्यादा पब्लिक नहीं होती है ना, तो आप यहाँ पर भी आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। यू कैन जस्ट रिलैक्स हियर। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई एंड माय टुडेज वीडियो हियर। दिस वाज आवर फर्स्ट डे, इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। दिस वाज लाइक जस्ट वी जस्ट रीच्ड गोवा एंड सॉ द बीच। लेट्स एक्सप्लोर फ्रॉम टुमारो। बाय।